वैसे तो देखिए हर एक फूल बहुत ही खूबसूरत होता है और मेरे फेवरेट भी हैं। मतलब फूल कैसा भी हो सुंदर लगता है, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और उनमें से ये वाला फूल है जिसको हम 4 o'clock या जालपा कहते हैं। मैंने अक्सर ही वीडियोस में शेयर किया है कि इसके साथ मेरी बचपन की मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। रीज़न मैं बताती हूँ, इसके और चांदी के साथ में हम जिस सिटी में रहते थे बचपन में, वहाँ पर सांझी बनाई जाती थी, और सांझी का जो डेकोरेशन होता है वो इवनिंग के टाइम में होता है। तो इवनिंग के टाइम में जो फूल खिलते हैं वही उसके लिए ज़रूरी होते थे, क्योंकि हर एक फूल होता है, आपने देखा होगा, सुबह खिलता है शाम को मुरझा जाता है। तो उसमें ये फूल हम तोड़ के लाया करते थे, और एक ये फूल, ये दोनों ही फूल मैं लेकर आया करती थी बचपन में, और फिर वो सांझी हम सजाते थे और पूजा होती थी। जिनको पता है सांझी के बारे में वो लोग ज़रूर पता होगा कि कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है। तो देखिए ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, जो कि शाम के टाइम इसके 4 बजे के बाद इसके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग तक खिले हुए रहते हैं। भीनी भीनी सी खुशबू आती रहती है। अभी तो ये काफ़ी सारे मल्टी कलर्स में मिलने लगे हैं, येलो वाइट, मेरे पास वाइट एंड पिंक है, 2 कलर और मुझे मिले थे, बीच से उगा भी लिए हैं बट अभी तक एक भी फूल नहीं आया है। लेकिन ये वाला जो पौधा है रेगुलर फ्लावरिंग कर रहा है, कभी बहुत सारे फूल होते हैं, कभी एक आध फूल होते हैं, लेकिन रेगुलर फ्लावरिंग करता रहता है। और इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, आप 4 o'clock जालपा के नाम से अगर सर्च करेंगे, और भी काफ़ी सारे नाम होते हैं इसके, मिल जाएंगे, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी पता होंगी। और इसके अंदर जो बीज निकलता है उसको भी खाया जाता है फूला बनाकर, उसकी भी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं अगेन, तो वो डिटेल में मैं कभी वीडियो बना दूंगी। बाकी तो अभी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये कहीं से मिलता है इसका बीज, तो इसको लगा लीजिए। लाइफ में ये भी सिर्फ एक बार आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद ज़िंदगी में कभी नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो जड़ होती है ना, वो शक्करकंद की तरह, अरबी की तरह से गांठ बनाती है, जैसे लिली जो बल्ब होते हैं उसकी तरह से अपना एक कंद बनाती है, और वो मिट्टी के अंदर रहता है हमेशा। जैसे ही जैसे तेज़ सर्दियां पड़ेंगी, इसके है ना ये सारे जितने भी ये ब्रांचेस हैं ये झड़ना शुरू हो जाएंगे, एक एक करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप सोचेंगे पौधा मर गया, लेकिन जैसे ही इसके लिए सही मौसम आएगा, वापस से नीचे जो इसके कंद रह जाता है वहाँ से फुटाव शुरू होगा और आपके गार्डन में ये फिर से प्रकट हो जाएगा। तो ये पौधा ज़रूर लगा लीजिएगा, जितने कलर मिले उतने लगा लीजिएगा। मेरे पास देखिए अभी वाइट खिलना शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ यही खिल रहा है, और बाकी के 2 कलर अगर मैच्योर हुए तो डेफ़िनेटली दिखाऊंगी, क्योंकि हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लो मेंटेनेंस प्लांट है, बट हाँ इस पर उसका मिलीबग का बहुत अटैक होता है, उसका ध्यान रखिए। बाकी कुछ भी नहीं, सिंपल ऑर्गेनिक खाद दीजिए, वही ऑर्गेनिक आपको पता है मैं क्या डालती हूँ, वो सब खिलाते रहिए, किचन वेस्ट, लीव्स, बनाना, ओनियन पील, सब खिलाते रहिए, और आपकी भर भर के फ्लावरिंग होती रहेगी। सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पौधा जब पूरा खिलता है, और आपके यहाँ पर नाइट ब्यूटी में ये खिलने के लिए, उसको कहते हैं ना, नाइट ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए, खिलने के लिए तैयार रहता है, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। आज अभी थोड़ी सी बारिश आई है, लेकिन अच्छी खासी उमस करके चली गई है, क्योंकि जब जरा सी बारिश पड़ती है तो और भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बट अगेन प्लांट्स हैप्पी हैं और ये खुश हैं तो हम भी खुश हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं है तो ये पौधा लगा लीजिएगा, बहुत ही आसानी से उगता है, बीज से या कहीं से भी पौध ले आइएगा और डेफिनेटली ग्रो करिएगा अपने गार्डन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा।